You are not audible to me, Afaq. I can't hear you. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam, Murtaza Ahmed. How are you? I'm fine. Very good. Open your English books. Okay. तो कल हमने पढ़ा था कि जो मिस्टर पाशा है वो अपनी हैट अली को देते हैं और उसको बोलते हैं आप देखो इसमें क्या है. अली क्या बोलता है? Nothing. Nothing. Nothing का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है. कुछ नहीं है इसमें. Very good. Then मिस्टर पाशा क्या कहता है? Put my hat on the table, please. मेरी हैट को, मेरी टोपी को आप टेबल पे रखो मेहरबानी करके. मेहरबानी. ठीक है आफाक, फिर मैं आपसे सुनूंगी. बी अटेंटिव इन योर क्लास. फिर मिस्टर पाशा क्या करता है? ही यूज इट टू पिक हिज हैट. वो अपनी हैट को उठाता है. आई पिक अप माई हैट. मिस्टर पाशा बोलता है मैंने अपनी हैट उठाई, टोपी उठाई. तो अली क्या कहता है? ओहो देयर इज समथिंग अंडर इट. इसमें तो कुछ है. आप देखो इसकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो कैसे है. ये सरप्राइज हो रहा है ना. क्यों? क्योंकि पहले जब इसने देखा तब इसमें कुछ नहीं था. लेकिन आप जब इसने टेबल पे ये खाली टोपी रखी लेकिन उसके अंदर से कुछ निकल रहा है. कुछ तो इसमें है. और वो क्या है? वो है एक हैन. इट्स अ हैन. एक मुर्गी है. मिस्टर पाशा क्या कहता है? खाली मुर्गी नहीं है बल्कि ये तो अच्छी मोटी मुर्गी है. इट्स अ नाइस फैट हैन. गॉट इट? गॉट इट मतलब आपको समझ आया? यस मैम. आफाक हु इज विद यू? ये कौन है आपके साथ? आफाक आपके साथ ये कौन है? मुझे इनकी शक्ल नहीं आ रही है. मेहदी हुसैन. ओके मेहदी हुसैन. ठीक है. आप अपने ये आपके फोन से क्लास देते हैं ना, तो आप जब अपना नाम लिखते हैं आफाक हुसैन रोल नंबर 22, आप इनका नाम भी लिखेंगे. ठीक है, ताकि इनकी भी अटेंडेंस हो जाए. ओके नाउ फॉर माय लास्ट ट्रिक. अब मिस्टर पाशा क्या कहता है? नाउ यानी अब. मिस्टर पाशा क्या कहता है अब? नाउ फॉर माय लास्ट ट्रिक. अब आप मेरी लास्ट ट्रिक देखिए. ट्रिक किसको बोलते हैं? चाल को. नहीं, चाल को. मेरी लास्ट चाल देखिए आप. ठीक है, मेरी लास्ट आखिरी चाल देखिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे ट्रिक करता हूँ. ठीक है, मिस्टर पाशा किन से ये कह रहे हैं? ये कौन कह रहा है? ये यहाँ पर इन बच्चों से कह रहा है. अब आप मेरी लास्ट वाली ट्रिक देखो, आखिरी वाला मैजिक देखो, जादू देखो. मिस्टर पाशा क्या करता है फिर? मिस्टर पाशा ब्लूज एंड ब्लूज. ये ब्लूज किसको बोलते हैं? ये क्या आपको क्या लगता है ये क्या कर रहा है मिस्टर पाशा यहाँ पर? फूंक मार रहा है ना? Yes, ma'am. तो ब्लूज का मतलब होता है फूंक मारना. क्या होता है? निकालिए सब अपने पेंसिल्स. सभी का मैं मैंने निकाला. ओके लिखिए उधर फूंक मारना ऐसे. फूंक मारना. ठीक है, ब्लूज. ठीक लिखिए.
ए दुचिश्मे वाव नून की मिमलिपमा रे नून लिखना, फूंक मारना, ठीक है। जिस तरीके से आप शम्मा को बुझाते हैं तो आपने उसको फूंक मार के बुझाते हैं, फूंक मारना। मिस्टर पाशा ब्लूज एंड ब्लूज, फू फू फू, यहाँ पर ये जो है फू फू फू, ये फूंक का साउंड है, ठीक है। There is a cloud of smoke. और जब इसने फूंक मारी तो वहां पर क्या उठा, धुआं जैसा उठा, एक क्लाउड जैसा, बादल के जैसा धुआं उठा, ठीक है। क्लाउड किसको बोलते हैं, धुआं को, क्लाउड बोलते हैं बादल को, किसको बोलते हैं, बादल को, बादल पता है ना किसको बोलते हैं। There is a cloud of smoke. बादल लेकिन किसके, स्मोक के, धुआं, ठीक है, धुआं जैसा उड़ा ऐसे। आपको आप मिस्टर पाशा दिखाई दे रहा है नीचे नीचे, यहाँ पर आपको मिस्टर पाशा दिखाई दे रहा है, नहीं मत ना, क्योंकि यहाँ पर धुएं का क्लाउड जैसा उठा है, ठीक है। इन अ फ्यू मोमेंट्स इट्स क्लियर, और फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ देर के बाद इट्स क्लियर, ये साफ हो गया, ठीक है, ये धुआं जो है साफ हो गया। इट्स क्लियर मतलब ये साफ हो गया, ठीक। आज हम इतना पढ़ेंगे, अब मैं रीडिंग करूंगी और फिर मैं आप लोगों से सुनूंगी। आफाक एंड मेहदी बी अटेंड टू योर क्लास, आप क्या हंसे जा रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से रीडिंग सुनूंगी। नाउ फॉर माय लास्ट ट्रिक, मिस्टर पाशा ब्लोज एंड ब्लोज, फू फू फू, ठीक है। देयर इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक, इन अ फ्यू मोमेंट्स इट्स क्लियर, इट क्लियर्स, इन अ फ्यू मोमेंट्स इट क्लियर्स, यानी ये साफ हो गया, ठीक है। अंजर हिलाल जरा अब आप रीडिंग कीजिए। यस मैम, कीजिए रीडिंग। ट्रिक, ट्रिक, लास्ट नहीं बोलते हैं, लास्ट चुनवाना गोबर किया, लास्ट, लास्ट ट्रिक, वेरी गुड। मिस्टर पाशा ब्लोज एंड ब्लोज, हाँ जी, फिर से पढ़िए आप, एक सेकंड। मिस्टर ब्लोस ब्लोस एंड ब्लोस, फू फू फू, पू पू पू, वेरी गुड। फिर देयर देयर इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक इन अ फील्ड, देखो यहाँ पर है ना फुल स्टॉप, ये वाला डॉट, यानी यहाँ पर आपको रुकना है, आपको ऐसे पढ़ना है, There is a cloud of smoke. फिर रुकना है, in a few moments. फिर यहाँ पर भी रुकना है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा रुकना होता है फुल स्टॉप पे, ठीक है, बनस्बत के कॉमा। फिर से पढ़ो, यहाँ से फिर से पढ़ो। There is a cloud of smoke in a field. M O M E N T S. शाबाश, हाँ जी, वीडियो दिखाइए, इट क्लियर्स मोमेंट्स, इट क्लियर्स मोमेंट्स किसको बोलते हैं, लम्हों को, यानी कुछ लम्हों के बाद, कुछ वक्त के बाद सारा साफ हो गया, ठीक है। वेरी गुड आंसर हिलाल, क्लैप्स कीजिए इसके लिए। अब मुर्तजा अहमद नागू पढ़ेंगे। ये क्या है,
फॉर के बाद क्या है? माय वेरी गुड ट्री लास्ट मुर्तजा अहमद लास्ट नहीं लास्ट ट्रिक ट्रिक नाउ फॉर माय लास्ट नहीं मुर्तजा अहमद नागू लास्ट ने किया लास्ट नाउ फॉर माय लास्ट ट्रिक फिर से पढ़ो गुड गुड पढ़िए इसके बाद मिस्टर बॉडी शो हाँ मिस्टर बॉडी शो पी ए एस एच ए क्या हो गया पी ए पा नहीं मुर्तजा पी ए पा एस एच ए शाह पाशा मिस्टर पाशा पाशा ब्लाउज एंड ब्लाउज ब्लाउज बू 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 जी जी पढ़िए यहाँ पर है ब्लूज एंड ब्लूज फिर देयर इज अ क्राउड ऑफ स्मॉल इन एस एम ओ के ई क्या हो गया स्मोक 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 इन अ पी F E W few few moments good fit clear clears very very good moments आप आफाक पढ़ेंगे आफाक पढ़िए अब आप आफाक पढ़िए Now for my last trick. Last नहीं पढ़ते हैं last trick. Last trick. Mr. Pasha. Pasha नहीं Mr. Pasha. Mr. Pasha. Pasha नहीं है. Pasha है बेटा P A S H A. Pasha. Pasha. जरा बोलो. Mr. Pasha. Blows and blows. Foo, foo, foo. There is a cloud of smoke. In a few moments, it clears. C-L-E-A-R-S. It clears. Very good. आफाक के लिए सब क्लैप्स कीजिए इसने अच्छे से रीडिंग सुनाई मेहदी आप पढ़िए आप नाउ फॉर माय स्पेलिंग पढ़ो आई एल एल लास्ट Lost. L A S T. Last. Lost trick. Mr. Pasha. Blues and blues. Poof, poof, poof. Poof. Pooh, there is a cloud. क्या होगा? Cloud. Very good. Of smoke in a
few moments. M-O-M-E-N-T-S. It clears. Very good. आप सब इसकी रीडिंग अच्छे से करेंगे जितना भी अभी तक हमने इस लेसन में पढ़ा है, क्योंकि मैं लेसन खत्म करने के बाद आपका रीडिंग टेस्ट जरूर लूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं साथ साथ आपको रीडिंग भी करवा रही हूँ। इरम जरा आप पढ़िए बेटा, ऊंची आवाज में पढ़ना। नॉट नहीं है, एन ओ डब्ल्यू, क्या हो गया? नाउ। नाउ फॉर माय लास्ट ट्री। वेरी गुड। पाशा ग्रोस एंड ग्रोस। वेरी गुड। देयर इज अ क्लाउड फॉर ओ एफ, क्या हो गया? इन ए फ्यू M O M E N T S, क्या हो गया? Moments. Moments and clears. Clears. Very good. कीजिए इरम के लिए भी थोड़ी सी क्लैप्स, थोड़ी सी, लेकिन क्योंकि इसको मिस्टेक्स हुई, कीजिए इसके लिए भी क्लैप्स। अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं होती तो मैं आपके लिए जोरदार क्लैप्स कराती हूँ। अब आप कल अच्छे से पढ़ोगी, ठीक है? स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगी, ठीक है, रीडिंग करूंगी, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगी किस सेंटेंस का क्या माने है, ठीक है? जो बोलेगा उसको क्लैप्स। नाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ फॉर माय लास्ट ट्रिप। आंसर बोले इसका मीनिंग, मतलब कि मेरी अब लास्ट ट्रिप देखो। लास्ट ट्रिक, लास्ट क्या हो बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलेंगे लास्ट को? नाउ हो गया अब मेरी आखिरी चाल देखो, ठीक है? आखिरी ट्रिक देखो, ठीक है? आखिरी चाल देखो। ओके, अब मुर्तजा नागू बोलेंगे इसका मीनिंग। मिस्टर पाशा ब्लूज एंड ब्लूज। मिस्टर पाशा भूख माता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुर्तजा अहमद नागू के लिए क्लैप्स कीजिए। अब आफाक बोलेगा इसका मीनिंग। देयर इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक। देयर इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक। शाबाश, नहीं आता है? जरा इरम आप बोलो इसका मीनिंग क्या आएगा। देयर इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक, मतलब ऊंची आवाज में, इसका मतलब है, ये बहुत क्लाउड थे। कहां पर बहुत क्लाउड थे? कौन से क्लाउड थे? बादल जैसे, लेकिन किसका? क्लाउड ऑफ स्मोक। स्मोक किसको बोलते हैं? धुआं को। वेरी गुड, धुआं, ठीक है? वहां पर क्लाउड जैसे बने, बादल जैसे बने, किसके? स्मोक के। जब मिस्टर पाशा ने फूका ना, फूंक मारी बहुत बार, वहां पर ऐसे बादल जैसे बन गए स्मोक के, ठीक है, धुएं के। ओके, अब मेहदी आप बोलिए। In a few moments, it clears. इसका मीनिंग क्या है मेहदी? In a few moments, it clears. शाबाश। लर्निंग के बाद, हाँ, कुछ लम्हों के बाद क्या हो गया? It clears. ये धुआं सारा साफ हो गया। वेरी गुड मेहदी। मेहदी खुद बोला कि मैम ने हेल्प की? खुद बोला। तो मेहदी के लिए एक जोरदार क्लैप्स बनती है, सब मेहदी के लिए जोर से क्लैप्स करेंगे। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला
जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक आप रीडिंग करेंगे, क्योंकि अब हमें सिर्फ एक दिन इसको और लगेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ये लेसन। उसके बाद मैं रीडिंग टेस्ट आपका जरूर लूंगी, और जैसा मैं आपको पढ़ाती हूँ फिर आपसे मीनिंग पूछती हूँ सेंटेंस का, वैसे भी मैं उस टाइम पे पूछ सकती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क आपका यही रहेगा, डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 15। ठीक है, ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, एनी क्वेरीज? ओके स्टूडेंट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज। मैम हाँ मैंने डेरी थी, डेरी पे लिखा, वेरी गुड। डेरी पे यही आप लिखेंगे, डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 15। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।